हर साल अश्विन मास की दशमी तिथि को दशहरा या विजयादशमी का त्योहार मनाया जाता है। यह पर्व अधर्म पर धर्म और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष दशहरा 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दशहरा के दिन श्रवण नक्षत्र का शुभ योग विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस साल श्रवण नक्षत्र का प्रारंभ 12 अक्टूबर की सुबह 5:25 बजे से होगा और इसका समापन 13 अक्टूबर की सुबह 4:27 बजे पर होगा। दशहरे का पर्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की लंकापति रावण पर विजय को याद दिलाता है। मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था, जिसके प्रतीक स्वरूप रावण का पुतला दहन किया जाता है। विजयादशमी के दिन ही देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक असुर का वध किया था, जो 9 दिनों तक चला युद्ध था। इस कारण विजयादशमी का त्योहार सनातन धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। दशहरे से जुड़ी एक और प्राचीन मान्यता है जो नीलकंठ पक्षी से संबंधित है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन करता है तो उसके जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। यह भी मान्यता है कि भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने से पहले नीलकंठ पक्षी के दर्शन किए थे, जिससे उन्हें विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद मिला था। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जब भगवान राम रावण का वध कर लौटे तब उन पर ब्रह्महत्या का पाप लगा। इस पाप के प्रायश्चित के लिए उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण के साथ भगवान शिव की पूजा की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर नीलकंठ पक्षी के रूप में भगवान राम को दर्शन दिए। यही कारण है कि दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन करना शुभ माना जाता है और इसे जीवन में सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आता दशहरे का पर्व न केवल धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष की याद दिलाता है, बल्कि इसमें सुख समृद्धि के प्रतीक के रूप में नीलकंठ पक्षी का दर्शन भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।